मरुधरा की सियासी चौसर पर पासा कब किसके पक्ष में पलट जाए कहना मुश्किल है। कांग्रेस पर आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए फ्रंटफुट पर आई बीजेपी अब एक बार फिर बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। इस बार मामला सिर्फ कांग्रेस वर्सेज बीजेपी का नहीं बल्कि अब बीजेपी निर्दलीय विधायकों के भी निशाने पर आ गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों के साथ डील के आरोपों पर नई रार छिड़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लगाए आरोपों से अब सियासी बवंडर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। लोढ़ा ने विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 158 के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को संबोधित करते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। लोढ़ा ने पूनिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि पूनिया के आचरण से राज्य विधानसभा की छवि तार तार हुई है। बिना किसी प्रमाण के सदस्यों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गलत है। पूनिया ने अपने इस आचरण से राज्य विधानसभा और उनके सदस्यों के विशेष अधिकार का हनन किया है। आपको बता दें कि पूनिया ने दावा किया था कि कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के लिए पड़ाबंदी की। सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार को कांग्रेस विधायकों की 10 दिन तक घेराबंदी इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि 10 दिन में सरकार ने 23 लोगों के साथ डील की है। वे कौन लोग हैं, इनकी पहचान की गई है। पूनिया ने यह भी कहा कि वोट के बदले निर्दलीय विधायकों को खान और रेको के प्लॉट दिए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। खैर, किसके आरोप सच हैं, किसके आरोप झूठे हैं, उम्मीद है कि इसका आगामी दिनों में ही खुलासा हो जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब आरोप और प्रत्यारोपों का नया तौर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।